अंकित गुप्ता ने अब कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, खुद ये बात शेयर किया है, ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 16 में एंट्री करने से पहले ही फतेह कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे अंकित गुप्ता, और लेकिन जब वो बिग बॉस 16 में एज अ पर्सन लोगों ने उनको जाना कि कैसे हैं, कितने शांत स्वभाव के हैं, एकदम जेंटलमैन हैं, और फालतू के मुद्दों पे नहीं लड़ना, फालतू की बातें नहीं करना, जब भी बात करना लॉजिकल सेंसिबल बात करना, इस तरीके की पर्सनालिटी अंकित गुप्ता ने बिग बॉस के घर में दिखाई और जिस वजह से उन्होंने लोगों का दिल जीता। जी हाँ, वैसे तो हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में ऐसी पर्सनैलिटी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती, और उन पर कितनी बार बोला गया है कि सोते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, डिजर्व नहीं करते हैं घर पे रहना, और इस वजह से ही लोगों ने घर के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने मिलकर निकाल दिया। और लेकिन जनता ने इनको पसंद किया, जनता को लगता था कि इनमें विनिंग क्वालिटी थी, लेकिन भाई बिग बॉस के घर में तो ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं टिक सकती, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। तो आपको बताना चाहूंगी कि जब अंकित गुप्ता बाहर निकले थे तब उनको लेकर आए दिन ट्रेंड चल रहे थे कि अंकित गुप्ता को वापस लाओ, वी वांट अंकित गुप्ता बैक इन बिग बॉस हाउस, इस तरीके के ट्रेंड्स आए दिन सोशल मीडिया पर चल रहे थे। तो आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस 16 के ऐसे 5 ही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके जो ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, जो ट्वीट्स हैं, वो 1 मिलियन के पार गए हैं। उनमें से अंकित, प्रियंका, स्टैन, सोमल और शिव, जी हाँ यही 5 कंटेस्टेंट्स हैं जिनको लेकर ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला है, मिलियंस में गए हैं, 2 मिलियंस इस तरीके से। और अंकित की अगर बात की जाए तो अंकित के जो ट्रेंड्स चले थे वो 10 बार ऐसे चले थे जो कि मिलियन के पार गए थे। जी हाँ, 1 मिलियन के पार गए थे। अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो ऐसे कई ट्रेंड्स जो चले थे जब बाहर वो आए थे, तो वो सारे ट्रेंड ऐसे नहीं कि 2 लाख 3 लाख, सब 1 मिलियन के पार गया था, क्योंकि जनता डेस्परेटली चाह रही थी कि अंकित गुप्ता बिग बॉस के घर में वापस आए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपना कलर्स पर एक शो लेकर आ रहे हैं, जुनूनियत, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। होप कि इसी शो को प्रमोट करने वो बिग बॉस के घर में भी जाएं, ताकि प्रियंका को ये खुशखबरी बताए कि उन्हें ये शो मिला है, और डेफिनेटली प्रियंका काफ़ी खुश होगी। लेट्स सी क्या होता है। आप हमें बताइए अपना रिएक्शन, आप अंकित गुप्ता के इस रिकॉर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और कितना मिस कर रहे हैं आप अंकित गुप्ता को बिग बॉस के घर में, ये भी बताना ना भूलिए। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फोक्स।